साथियों, मैं संतोष कुमार, प्रबंधक HN पब्लिक स्कूल अलीगंज, डिस्ट्रिक्ट एटा, उत्तर प्रदेश। सभी लोगों को जानकारी है कि जो कोरोना वायरस चारों तरफ फैला हुआ है पूरे विश्व में, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी की ज़रूरत है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने सभी को बचाव के उपाय बताए हैं और उसी तरीके से इससे बचा जा सकता है। हम लोगों ने इससे बचने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। 22 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक घर में रहने के लिए इसलिए बोला गया है कि कोरोना वायरस की अवधि 14 घंटे की होती है। सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक अगर हम घर में रहते हैं तो कोरोना वायरस जिस जगह पर है वहीं पर ख़त्म हो जाएगा और हमारे देश पे जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। हम अपने आप को बचाएं, देश सुरक्षित हो जाएगा। और मैं सभी अभिभावकों, बच्चों एवं जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, सभी लोगों को मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि कृपया, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, अपने घर से बाहर न निकलें। अपने बच्चों को, स्वयं या किसी रिश्तेदार को, किसी को भी बाहर का सामान खाने के लिए मना करें। किसी भी तरीके से बाहर के सामान से खाने से बचें। घर में जो भी सामान आपके घर पर अवेलेबल है उसे शुद्ध तरीके से बनाएं और कोशिश ये करें जितने बार आप बाहर से कहीं से आते हैं और उतने बार आप सैनिटाइज अपने शरीर को भी करें और अपने हैंड को अच्छे तरीके से स्लोली वॉश करें। कोशिश करें कि अपने हैंड को गर्म पानी से वॉश करें, क्योंकि गर्म पानी से कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट कम हो जाता है। और अक्सर कर मैं देख रहा हूँ कि छुट्टियाँ हो गई हैं, अभिभावक लोग सोचते हैं चलो अपने उस रिश्तेदार के पास घूम लें, चलो उस रिश्तेदार के पास घूम लें। दोस्तों, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वायरस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने में बहुत कम समय लगता है। अगर हम इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, खुद में इधर से उधर जा रहे हैं, तो अपने आप को बचाइएगा, देश बचेगा, सभी बचेंगे और सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप अपने आप को किसी तरीके से बचाएं और स्वयं को इससे दूर रखने की कोशिश करें। इससे बचने के बहुत से उपाय जो लगातार सोशल मीडिया पर भी आ रहे हैं, डॉक्टर्स लोग भी बता रहे हैं और सभी लोग सुझाव दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा सुझाव स्वयं में, अपने आप में मानिएगा कि आप इससे बचने के लिए अधिक से अधिक लोगों से दूरी बना करके रखें और जो लोग बाहर से आपसे मिलने आ रहे हैं उन लोगों से बचें। और जो हमारे भारत देश की परंपरा, पुरानी परंपरा रही है हाथ जोड़ करके अभिवादन करने की, उसका शुरुआत कर दें। लोगों से हाथ न मिलाएं, अधिक से अधिक लोगों से हाथ जोड़ करके उनसे अभिवादन करें और उनका स्वीकार करें। और बाकी कई चीज़ें हैं जो कि अभी कुछ समय तक आप गले मिलने की जो प्रक्रिया, उसे भी थोड़े समय के लिए रोक दीजिएगा, क्योंकि जब जीवन रहेगा तो जहान रहेगा और जब जहान रहेगा तो सभी इंसान रहेंगे। तो अपने अपने जीवन को सभी लोग बचाने का प्रयास करें। सबकी अपनी जिम्मेदारी है, इसमें किसी दूसरे को इन्वॉल्व करने की कोशिश ना करें। आप ये समझ लें कि अगर हम सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। अपने परिवार को सुरक्षित रखिएगा, अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। सभी लोग सुरक्षित रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग निरोग रहें। और खाने पीने में भी कोशिश ये करें कि उन चीज़ों को, बाहर की मार्केट की या पैकिंग वाली चीज़ें जो बाहर से मार्केट से आ रही, उन्हें कम से कम खाएं। बच्चों को, स्वयं को, सभी लोगों को अपने घर पर शुद्ध ताज़ा भोजन बनाएं और ताज़ा भोजन खिलाएं। धन्यवाद सभी लोगों को, हाथ जोड़ करके सभी को प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते। और मेरा फिर से सभी से अनुरोध है, कृपया अपने घर से कम बाहर निकलें और अधिक से अधिक अपना घर समय अपने मम्मी पापा के साथ, और सभी आपके जो मम्मी पापा हैं वो अपने मम्मी पापा के साथ, सभी लोग खुश होकर के अपने
ये छुट्टियों को एंजॉय घर पे करिएगा, बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एंजॉय करिए, बी हेल्दी। थैंक यू।